नमस्कार, एटीएन सिटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरती सिंह। विगत दिनों गुड़ना रोड पोस्ट ऑफिस के समीप दो स्वर्ण व्यवसायियों को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई थी, जिसमें एक की हत्या और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको लेकर सराफा एवं स्वर्णकार के द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी व मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। मार दिया बाइनर को पास कर। त्रिभुवन की जो हत्या हुई थी, इसमें त्रिभुवन की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वो पटना में भर्ती है, वो कोमा में चले गए हैं संभवतः, लेकिन रविरंजन की हत्या का अभी तक किसी तरह का कोई ट्रेस नहीं मिला और जिला प्रशासन ये दावा करता है कि आज अपराधी पकड़े गए और कल अपराधी पकड़े गए। अंततः हम लोगों ने जिला प्रशासन को भरपूर मौका दिया कि वो इस हत्याकांड का उद्भेदन करे और अपराधी को पकड़े। आज ये पहला हम लोग का शांति प्रिय कैंडल मार्च है। ये जिला प्रशासन को अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो इससे भी बृहद आंदोलन होगा। और हम लोग चाहते हैं जिला प्रशासन जिस तरह उस दिन एक त्रिभुवन जी को बचाने में अपना जो भूमिका निभाया, उसी तरह से सक्रियता दिखाते हुए अपने आप को इस अपराधी को पकड़कर इस घटना का उद्भेदन करे, और नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। वो आंदोलन इतना विकराल रूप धारण कर लेगा कि पूरा भोजपुर चक्का जाम हो जाएगा। तो हम लोग पुनः उनसे मांग करते हैं इस घटना का तुरंत उद्भेदन करें।